कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। रोल हो रहा है ना? जी जी। हाँ नहीं, लाइट कोई लाइट नहीं दिख रही। नहीं सर, इसमें लाइट नहीं है। अच्छा ठीक, ये थोड़ा खुफिया है। दूसरा क्या दिखना नहीं चाहिए दूसरा? इनकी परमिशन के बिना कहा रोल। तो सबसे पहले सर कांग्रेचुलेशन घोसला का। घोसला 18 साल के बाद एक बार फिर से ये थिएटर में आ रही है, हम इसे रिलीज कर रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, जिस तरह की ये स्टोरी है कल्टिंग स्टोरी, कैसे देखते हैं आप लोग फिल्म को रिलीज हो रही है, क्या कहना चाहेंगे घोसला का? घोसला बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम तो सुबह से उछल रहे हैं रात में, बिकॉज नॉट बिकॉज और कोई फिल्म रिलीज होती तो शायद उतनी खुशी नहीं होती। मतलब खुशी होती है कि भाई दोबारा, बट ये पिक्चर लोगों को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना अच्छा लगेगा उनको भी और हमें भी, बिकॉज ये अब ये कल्ट क्लासिक है। कल्ट क्लासिक वो बनती है जिसको बार बार देखना, जो कभी पुरानी होती नहीं है। तो जब तक कोई किसी की ज़मीन हड़पे की कोशिश करेगा, जब तक कोई मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास की फिल्में बहुत कम तरीके से कल्ट वाली फिल्म बनती है। वैसे तो हर फिल्म जो ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई है या वासुदा ने बनाई है वो सब बहुत कमाल की फिल्में हैं, मगर ये फिल्म में नॉटीवनेस भी है, स्मार्टनेस भी है और एक रिकॉल वैल्यू भी है। इसके हर डायलॉग तो आपको सब साथ में सुनाई देते हैं, हर सिचुएशन के लिए इसमें डायलॉग है। तो मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन जो जेनरेशन है they will feel much more relevant and they will be able to identify with much more with this film than any other film of my around 2002 या 1990 के करीब की फिल्म। हाँ तो Gen Z को अभी ऑनलाइन स्कैम्स ज़्यादा पता है, हाँ, बट ये फिल्म देख के उनको हिस्ट्री ऑफ स्कैम्स पता लगेगी कि ऑनलाइन के पहले भी स्कैम्स होते थे, और ये भी के जो फिल्म जो अभी भी रेलिवेंट रहती है वो इसलिए है कि जो मिडिल क्लास फैमिली की जो रिलेशनशिप्स हैं दे कंटिन्यू टू बी द सेम। वो आज की जेंजी के भी रिलेशनशिप अपनी यू नो अपने पेरेंट्स के साथ या जो दो प्रीवियस जनरेशन के साथ वो चीज़ चेंज नहीं हुई है। सो इफ़ यू आस्क मी जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस फिल्म को कल्ट बनाती है, रेलिवेंट बनाती है, वो है जो मिडिल क्लास फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं। और क्लीशे कैरेक्टर्स नहीं है, स्टॉक कैरेक्टर्स नहीं है। एक ऐसा नहीं कि घर का जो बड़ा है, जो घर का मुखिया है, वो बहुत ही कुछ एक ईमानदार किस्म का आदमी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है। बड़ा बेटा जो है वो कोशिश करता है कि वहाँ यहाँ भी और बाहर भी जाना चाहता है। छोटा बेटा इज़ मिसफिट कम्प्लीटली। जो बेटी है वो उसका अपना एक इशू चल रहा है। तो हर कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफिकेशन बहुत परफेक्ट है। जो थिएटर, अच्छा फिर पूरा वो थिएटर का जो ग्रुप है, थिएटर का जो आइडिया जो दिल्ली का, वो थिएटर के लोगों को चुनते हैं स्कैम करने के लिए, मतलब विलन को ही वो स्कैम करते हैं। तो ये आई थिंक प्लॉट, स्टोरी राइटिंग, डायलॉग्स, कैरेक्टराइजेशन, कास्टिंग सब बहुत कमाल का है। बहुत रेयरली एवरीथिंग कम्स टुगेदर इतनी परफेक्टली। बाप बेटों का रिश्ता, मेरा रिश्ता इनके साथ, मेरा रिश्ता चिरंजी चेरी के साथ, अपना प्रवीण दबास के साथ, मेरा रिश्ता मेरी वाइफ के साथ, मेरा अपना एक स्ट्रगल चल रहा है, वो बहुत ही फैसिनेटिंग कैरेक्टर है। और मैंने देखा कि रिश्ते की मैं बात करूंगा, मैंने देखा कि हर दो मिनट में हर तीसरे स्क्रीन पे रिश्तों के झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जो वो प्यारी कहानी को जोड़ के रखता है वो अमेजिंग है अपने आप में। तो आज के यूथ को ये देखना कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली थिएटर में जब आ रही है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं, जैसा मैंने कहा आपको कि जो ये जो जनरेशनल गैप जो होता है, जो हर मिडिल क्लास फैमिली में पाया जाता है, आई थिंक वो आज भी है। वो 18 साल पहले, 20 साल पहले जब फिल्म बनी तब भी था, और 20 साल बाद वो अभी भी आपको मिलेगा। एंड आई थिंक घोसला का कोर, इमोशनल कोर जो है वो ये चीज़ है। डिसफंक्शनल फैमिली हर जगह हर होती है। हाँ, थोड़ा बहुत डिसफंक्शन हर फैमिली में, हमारी फैमिली में भी है कॉन्फ्लिक्ट, सबकी फैमिली में है। पर उसको इतना बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करना विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, व्हाई डू पीपल लाफ? एवरी लाइन इज नॉट अ फनी लाइन, बट दे लाफ बिकॉज दे फाइंड आइडेंटिफिकेशन विद इट। अरे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, वो मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, ये सब जो हैं, वो उसका वो मैं सडनली याद आया, वो थैले में वो जो बॉटलें लेकर, बॉटल्स लेकर आ रहा है बियर की, नेबर से छुपा, कभी सोचा नहीं, बट कड़िंग कड़िंग कर रही है, आवाज कर रही है, तो वो थोड़ा घबरा रहा है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग स्टोरी।
मैंने सुना कि ढेरों सारी मेमोरी आप लोग इस फिल्म से रिलेटेड आप लोग शेयर कर रहे थे 18 साल पहले, 20 साल पहले, और अब तो ऐसी कोई मेमोरी है आप लोगों की? मेमोरीज ही मेमोरीज है, ये पूरी फिल्म मेमोरीज पर ही डिपेंड करती है। मुझे तो ना सिर्फ फिल्म के डायलॉग्स, मुझे तो फिल्म बनाते हुए जो जो हुआ वो भी बहुत विविडली याद है। आपको याद है मुझे एक कमरा पीछे होता था, जो टेंट होता था आगे, फिर पीछे एक रूम भी होता था जहाँ पे आपके याद है आपके फ्रेंड जिनका आप अपने नाम लिया था, विजय भी आते थे कभी कभी, वो रूम में मैं आ जाता था, आप बुला लेते थे मेरे को अंदर आ जा, कूलर लगा हुआ है। सो वो मुझे याद है, टेंट जो आगे टेंट लगा हुआ था जहाँ कास्ट का जो एरिया था वहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते थे बहुत सारी। अनुपम जी ने इंट्रोड्यूस की थी गेम वर्ड प्ले, जो सॉरी क्या वर्ल्ड बिल्डिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग वो खेलना, डम शराड्स खेलना। और फिर मेरे को एक बार याद है, आपको याद है जब इसने परवीन ने डम शराड में चीटिंग की थी, याद है? तो हमने बहुत अच्छे पकड़ा उसको, जिंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हमने, और बहुत आसानी से पिक्चर बनी भी नहीं। बहुत प्रॉब्लम हुई, हम कास्ट को होटल से बाहर निकाल दिया, पैसे नहीं दे पाए थे प्रोड्यूसर, बट हमारी लॉयल्टी थी फिल्म के साथ, तो अपने आप ही प्रोड्यूसर के साथ भी लॉयल्टी। हमने प्रोड्यूसर की बुराई नहीं कर रहे, प्रोड्यूसर में बड़ा दम था, बड़ी कोशिश कर रही थी, वो अपना घर का सामान बेच रही थी, वो कर रही थी और मुस्कुराती रहती थी। एक बार जिस गाड़ी में हमको लेने आते थे टैक्सी वाले, उन्होंने मना कर दिया बिकॉज पैसे नहीं उनके लिए थे, बट हम जैसे तैसे जुड़े रहे और इसको so, फिल्म, मतलब इट वाज नॉट इजी टू मेक द फिल्म, बहुत हार्डशिप्स थी, बट ड्यू क्रेडिट टू अनुपम जी, नॉट जस्ट एज लीड एक्टर, एज आप कह सकते हैं एज फादर फिगर ही प्लेड, पूरी फिल्म की कास्ट को साथ रखना। फिल्म जब बन गई उसके बाद रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रही थी तब भी मोटिवेटेड रखना सबको, हम मिलते थे। आपको याद है ये जो क्या नाम है अंधेरी में जो रेस्टोरेंट है वहाँ हम मिलते थे, अरे मैं नाम ही भूल गया हूँ रेस्टोरेंट का, नहीं अपना वो हाँ कोने पे जो अम्बोली में है, एनीवे वहाँ मिलते थे। और अनुपम जी really kept us motivated, he helped out with you know contacts for distribution also, Burman also, तो हम लोग बहुत अच्छे जुड़े और जिंदगी भर के लिए रिश्ते बनाए हमने, ना सिर्फ फिल्म बनाते हुए फिल्म की रिलीज के टाइम पे भी we were together as a family। एंड जिस तरह से ये फिल्म हमारी सोसाइटी को दर्शाती है, हमारी सोसाइटी को दिखाती है, हमारी सोसाइटी से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट भी है। लैंड माफिया की बात कर लें, आज उनका दबदबा और बढ़ गया है। अच्छा चलो फिर पार्ट टू। हाँ हाँ बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। जब भी आपको इस तरह लैंड ग्रैबी का कोई भी केस होता है तो उसकी हेडलाइन ही होती है अनदर खोसला का घोसला। हाँ और अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जितना ज़्यादा बिल्डिंग्स बनेंगी, जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा उतना ज़्यादा घपला होगा। मैंने तो इसीलिए बहुत साल पहले डिसाइड कर लिया था, 10-12 साल पहले, कि मैं किराए के मकान में रहूँगा और मैं किराए के मकान में रहता हूँ। सो अच्छा है, रियलिटी के साथ जुड़ी हुई है कहानी। मुझे लगता था अब स्कैम्स ज़्यादा ऑनलाइन होते होंगे। नहीं नहीं, इसमें तो लैंड में तो होते ही होते हैं, काफ़ी लोग हथियार लेते हैं ज़मीन। चलो आई होप पार्ट टू के लिए सविता जी ध्यान दे रही हैं, इसके लिए पार्ट टू बना रही हैं। ऐसा हमको फोन तो आया बोला है, हमको तो बोला है कि बनाएंगे पार्ट टू, बट फिलहाल हम वी आर एक्साइटेड अबाउट फिल्म रिलीजिंग रिलीजिंग ऑन 18th October थिएटर्स में, इन अ थिएटर नेक्स्ट टू यू, एंड प्लीज गो एंड वॉच इट बिकॉज यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, एंड वॉच इट विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच इट विद योर फैमिली। कुछ अपडेट हुआ सर कि 2 में कब तक शूटिंग होगी? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ अनाउंस किया है कि इंटेंशन है बनाने की, जब आज रिलीज हो रही है तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम सेकंड भी बनाएंगे, बाकी अभी कुछ आगे स्क्रिप्ट वगैरह अभी कुछ रेडी नहीं है। पर पिछले एक साल से धमका रही हैं कि बनाना चाहती हैं। एंड सर क्योंकि रिलीज का दौर है, अच्छी अच्छी फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है, हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू एंड जी कौन कौन सी फिल्में ऐसी हैं जो आप चाहते हैं कि आज के दौर में पहले जो मेरी नई रिलीज हुई पहले वो कर दो, जो दूसरी बार वाली नहीं, जो पहली एक बार भी नहीं हुई वो रिलीज कर दो पहले। दरअसल थिएटर्स में रिलीज मिलना आसान नहीं है, इसीलिए लोग OTT स्ट्रीमिंग की वाहवाही